हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पर है। जैसा कि बोर्ड में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑपरेटर लेवल से लेकर के इंजीनियर, सेटर और मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर सबके लिए हम एक एक वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो का पहला भाग है, जो ये वीडियो का पहला भाग ऑपरेटर और सेटर के लिए है। अगर आप ऑपरेटर हैं या फिर सेटर हैं और दूसरी किसी कंपनी में आप ऑपरेटर और सेटर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी इंटरव्यू में आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा कुछ सलाह है आप लोगों से कि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आपको इंटरव्यू की पूरी प्लानिंग करके जाना है। प्लानिंग मीन्स आपको जब भी पता चल जाता है कि मेरा इस डेट को इंटरव्यू है, उसके पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मुझे वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी आप अपने जो भी आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं तो आप क्या क्या ऑपरेट कर लेते हैं, कौन कौन से मशीनें ऑपरेट करते हैं, कौन कौन सा गेज का यूज़ करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट आप बनाते हैं, उसका साइकिल टाइम क्या आता है, प्रोडक्शन टारगेट क्या है पर घंटे का, पर शिफ्ट का, और मशीनों के बारे में, ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरव्यू में आप हमेशा आधे घंटे टाइम से पहुँचें। नहीं तो कभी कभार होता है कि हम इंटरव्यू में टाइम से नहीं पहुंचते हैं, इंटरव्यू लगभग आधा ख़त्म हो चुका होता है या बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं तो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा होता है तो शुरुआत में ही वो कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेता है। तो जो बाकी बचे कैंडिडेट होते हैं उनका वो सिर्फ एक निपटारा करता है, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ पूरा करता है, वो सिलेक्शन ऑलरेडी पहले कर चुका होता है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देता है। दो चार क्वेश्चन, 10 मिनट, एक दो क्वेश्चंस पूछ करके वो बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है कि आपको अपने बारे में या फिर अपने स्किल के बारे में एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल पाता है भरपूर और आप सिलेक्शन से वंचित रह जाते हो। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इंटरव्यू में कोशिश करिए कि आधा घंटा पहले पहुँचिए। पॉइंट ये है कि हमेशा आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर के और मोटिवेटेड होकर के जाएं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के जाएं। 30% होता है वो आपके कॉन्फिडेंस से ही हो जाता है, बाकी 30% जो होता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है और बाकी बचे 40% जो होते हैं वो आपके टेक्निकल स्किल पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से आप तीन पॉइंट पे आप ध्यान दे लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जनरली पुटअप किया जाता है। अगर आप ऑपरेटर या सेटर के लिए जा रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चंस है जो जनरली चाहे ऑपरेटर हो या सेटर हो या फिर मैनेजर हो सबसे पूछा जाता है, वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताएं। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बतानी है, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपने होम टाउन का लोकेशन बताना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है, अपना क्वालिफिकेशन बताना है, एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस बताना है और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में अभी करंट प्रोफाइल बतानी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। इंटरव्यूअर का मकसद होता है कि संक्षिप्त में आपके बारे में जानना। सेकंड जो क्वेश्चंस होता है वो इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप अभी वहाँ पे क्या करते हैं, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या क्या करते हो।
तो अगर आप ऑपरेटर के लिए जा रहे हो या सेटर के लिए जा रहे हो तो आप कौन कौन सी मशीनें ऑपरेट करते हो उस मशीनों के बारे में बताइए। जैसे CNC ऑपरेट करते हैं तो आप CNC बताइए, CNC ऑपरेट करता हूँ। BMC के लिए हैं तो BMC ऑपरेटर हैं तो BMC के लिए बताइए। अगर आप सेटर हैं, CNC ऑपरेटर CNC सेटर हैं या फिर BMC सेटर हैं तो उसके बारे में बताइए। जनरली कॉमन क्वेश्चंस है कि जब भी आप ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, CNC में कितनी एक्सिस होती है, एक्सिस होती हैं, ऑफसेट कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर BMC में कितने ऑफसेट होते हैं, BMC की एक्सिस कितनी होती हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। CNC में दो एक्सिस का यूज़ किया जाता है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए प्लस डायरेक्शन किधर होता है और माइनस डायरेक्शन किधर होता है। उसी तरीके से BMC में आपको एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। CNC के ऑफसेट के बारे में पता होना चाहिए, CNC में तीन ऑफसेट होते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट और वर्कशिफ्ट ऑफसेट, और इन ऑफसेट का यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। यानी ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज़ कहाँ करते हैं, वियर ऑफसेट का यूज़ कहाँ करते हैं, वर्कशिफ्ट ऑफसेट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। संक्षिप्त में इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज्योमेट्री ऑफसेट का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब भी हम नए जॉब का सेटिंग कर रहे होते हैं या सेटअप चेंज कर रहे होते हैं, तो वर्क सेंटर या वर्क सेंटर बनाने के लिए, जॉब का सेंटर बनाने के लिए हम जब मेज़र कराते हैं, एक्स और जेड का जब मेज़र कराते हैं, उसके लिए हम ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज़ करते हैं। वियर ऑफसेट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम पार्ट को बना रहे होते हैं, तो एक टॉलरेंस के अंदर हमें पार्ट को बनाने के लिए डाया को कम बेसी करना या लेंथ को कम बेसी करना, हाइट को कम बेसी करना, वो जो ऑफसेट देते हैं वो वियर ऑफसेट में देते हैं। वर्कशिफ्ट ऑफसेट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें पूरे टूल्स को या तो एक्स में शिफ्ट करना हो या फिर जेड में शिफ्ट करना हो। जैसे अगर मान लीजिए इसमें हमें कोई, हमने वर्कशिफ्ट में एक्स में 0.2 का हमने वैल्यू वो करेक्शन डाल दिया, तो सारे टूल्स क्या होगा, प्लस डायरेक्शन में 0.2 शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से जेड एक्सिस में अगर हमने 0.2 डाल दिया तो सारे के सारे टूल जेड एक्सिस में प्लस में 0.2 शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसे वर्कशिफ्ट ऑफसेट कहा जाता है। अब आपको अपने प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, यानी इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से प्रोसेस आप काम करते हो, यानी CNC ऑपरेटर हो तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है, यानी OD टर्निंग होता है, ID टर्निंग होता है, ग्रूविंग होता है, नर्लिंग होता है, या जो भी आपके वहाँ होता है। अगर आप BMC ऑपरेटर हैं तो मिलिंग होता है, बोरिंग होता है, टैपिंग होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका प्रोसेस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रोसेस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो शॉप फ्लोर में हम गेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे TPG का, PPG का, या फिर वर्नियर कैलिपर्स का, माइक्रोमीटर्स का, बोर गेज का, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लीस्ट काउंट के बारे में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, अगर डायल वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.02, अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01। इसी तरीके से माइक्रोमीटर का भी लीस्ट काउंट और उसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी से रिलेटेड या शॉप फ्लोर में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है इंटरव्यूअर, वो जी कोड्स और एम कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। जी कोड में आपको जैसे G01 के बारे में, जनरल जो मोस्टली यूज होता है, पॉपुलर जी कोड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे G01 क्या होता है, G02 क्या होता है,
या फिर G00 क्या होता है, G90 क्या होता है, G91 क्या होता है, G98 क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जी कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एम कोड के भी बारे में पता होना चाहिए, जैसे M01 क्या होता है, M00 क्या होता है, M06 क्या होता है, या फिर M99 क्या होता है, M30 क्या होता है, M06 क्या होता है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो इन इतना क्वेश्चंस जो अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और ये क्वेश्चंस अगर आपने तैयार करके चले गए, इतना तो इतने क्वेश्चंस का आपने सटीक और सही तरीके से टू द पॉइंट अगर आपने जवाब दे दिया तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जनरली वो ये पूछा जाता है कि आप कौन कौन से कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हो, यानी कि जो कंट्रोल पैनल यूज़ करते हो वो कंट्रोल पैनल किस कंपनी का है, जैसे मित्सुबिशी का है, फानुक का है, सीमेंस का है, ब्रदर का है, या फिर मजाक का है, हास का है। तो बहुत सारे कंट्रोल आते हैं, आप जिस पे काम कर रहे हो, जिस जिस कंट्रोल पे आप काम किए हो, सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस होता है, आप कौन से मशीन पे वर्क किए हो, यानी मशीन किस कंपनी की है, जैसे AMS की मशीन है, या फिर LMW की मशीन है, लोकेस की मशीन है, या फिर AC की मशीन है, ठीक है, या पूमा की मशीन है, यानी कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरर मशीन की मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो किसकी है, वो कौन सी है, उसके बारे में भी जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ये है कि टूल्स के नाम बताइए। जैसे आप अगर CNC टर्निंग पे काम कर रहे हैं तो आपको इंसर्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा इंसर्ट आप यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा इंसर्ट आप यूज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ आपको पता होना चाहिए और पूरा नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर आप CNC पे काम कर रहे हो तो टर्निंग से रिलेटेड आपके जो आप इंसर्ट यूज़ करते हो उसका पूरा नाम पता हो, जैसे CNMG 12-08-04 या फिर CNMG 12-04-08। अब इसमें 12-04-08 जो है इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इतना बता दिया तो इंटरव्यूअर जो होता है वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि शॉप फ्लोर में जो भी आप डॉक्यूमेंट भरते हो, या चेक शीट जैसे हो गया, हावरली हो गया, या फिर पोकायोका सीट हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी, यानी शॉप फ्लोर में जो भी डॉक्यूमेंट हम भरते हैं, एक ऑपरेटर भरता है, जैसे चेक शीट हो गया, हावरली हो गया, पोकायोका सीट हो गया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में बता देंगे तो आप ये प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। साथ ही साथ जो इसके बाद जो क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है वो ये है कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो कंपनी, इस सवाल पर आपको हमेशा पॉजिटिव जवाब देने हैं, निगेटिव जवाब आपको कभी नहीं देना है। पॉजिटिव जवाब देने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं नई स्किल सीखने के लिए या नई नई चीज़ों को सीखने के लिए सीखना चाहता हूँ, और अपने करियर ग्रोथ के लिए मैं और नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कितनी सैलरी लोगे। तो सैलरी के बारे में आपको कभी भी ये नहीं बताना है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि एज पर कंपनी रूल्स के हिसाब से जो एक ऑपरेटर या सेटर का सैलरी डिसाइड होगी वो ही मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस 5S से रिलेटेड, काइजन से रिलेटेड, या फिर सॉफ्ट फ्लोर में हम जो भी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देख करके प्रिपेयर होकर के जाना है।
लास्ट में इंटरव्यू सेशन का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो का सीरीज़ ऐसे ही प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर और भी आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।